एनएस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के धरना स्थल पर पान दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने धरना दिया तथा नगर निगम होश में आओ के नारे लगाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने का वादा करती है लेकिन रोजगार देती नहीं बल्कि छीनती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी पटरीदार दुकानदार बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। हम लोग इतना प्रताड़ित करे जा रहे हैं इस वक्त, इतना पहले नगर निगम ने कहा कि आप लोग सबसे पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। मैंने अपने एसोसिएशन के द्वारा डस्टबिन बंटवाया नगर निगम के द्वारा, ठीक है। मेयर आई थी वहाँ पे, उन्होंने अपने हाथों से वितरण किया, कहीं आप कुछ शांति हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18 साल के बाद जो है लोगों को सिगरेट तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचेंगे आप। उस पर भी बैनर हम लोगों ने चिपकाया। जैसे जैसे नगर निगम रास्ता बताती गई वैसे से करते गए, फिर भी नगर निगम हम लोग को पीछा नहीं छोड़ रही, डंडा लाठी चला रही है, मारपीट भगा रही है, लोगों को बंद कर दे रही है, गुंडा एक्ट लगवा रही है, 151 धारे लगाए रही है। लोग बीवी बच्चा लेकर रोड पर आ गए, खाने कगार पर नहीं है कि खाना क्या खाया, मरने के कगार पर लोग खड़े हैं इस वक्त। इतना परेशान है, लोगों ने तंग कर दिया है लोगों को कि क्या बताया जाए। मोदी सरकार का कहना है कि हम विकास करेंगे और योगी सरकार का कहना कि हम उजाड़ेंगे पूरा। ये लखनऊ उजड़ रही है धीरे धीरे, आबादी कम हो रही है धीरे धीरे, और ये वोट की मांगे कर रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए। कहाँ से ये जीत पाएंगे ऐसे करना में इनके रहेंगे तो। स्मार्ट सिटी के नाम पे पटरी दुकानदारों को जो उजड़ हो रहा है, जो परेशान कराया जा रहा है, हम 10 लाख दुकानदार हैं सब पटरी वाले, वो कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार हमें रोजगार तो दे नहीं सकती। हम 10-15-20-25 हज़ार रुपये लगा कर अपनी पान की सब्जी की गुमटियाँ, किसी के ठेले, किसी की चाट, किसी की चाय। मोदी सरकार तो खुद चाय वाली है, मोदी तो खुद चाय वाले, उनको तो कम से कम हम लोगों पर तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग भुखमरी कागर में, आज ये कप्ता हो गए, हम इधर मारे डीएम के पास जा रहे हैं, एसएसपी के जा रहे हैं, सबको हम बता दे रहे, नगर संयुक्त पार्टी के पास गए, सबके पास गए, सब हमको भगा दे रहे हैं। हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं, आने वाले हमारे चंद दिनों के अंदर हम सड़क को जाम कर देंगे बिल्कुल। पटी दुकानदार एबीपीएस न्यूज सच का साथी।